अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को आवाज आ रही होगी। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए अगर आपको आवाज आ रही है तो। सीएमए यूएसए, व्हाट इज सीएमए यूएसए? मैं क्विकली इसके बारे में बता दूं, फिर देन आई विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सीएमए यूएसए इज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन, ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएस। इट्स नाउ प्रेजेंट ग्लोबली इन मेनी कंट्रीज। इट इज देयर इन गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में ये एग्जिस्ट करता है। यूएई है, कतर, सऊदिया, बहरेन, गल्फ कंट्रीज में है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, तमाम जगहों पे मौजूद है। इसके दो पार्ट्स होते हैं और दो ही एग्जाम्स होते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। सो देयर आर ओनली टू पार्ट्स इन दिस क्वालिफिकेशन, और इन दो पार्ट्स के एग्जाम देने के लिए कोई मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है। तो अगर कोई चाहता है कि सीएमए यूएसए एक हफ्ते में करे, एक साल में करे, दो साल में करे, डेढ़ साल में करे, कम से कम टाइम में करे, तो उसकी मर्जी है। आईएमए जो कि इदारा है, जो कि सीएमए की बॉडी है, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, उनकी तरफ से सीएमए करने के लिए कोई मिनिमम टाइम फ्रेम नहीं है। तो जितना कम से कम टाइम में आप करना चाहें आप कर सकते हैं, यानी आप एक दिन में भी दोनों पेपर्स देखकर क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपकी तैयारी हो। But what average time a student takes to pass these two exams? Usually 6 महीने से 1 साल का दौरान है। तो 6 months से लेकर 1 year तक लोग ये दो parts pass कर लेते हैं। दोनों parts के exam computer based है, और दोनों parts का जो exam है वो आप exam center में जाकर भी दे सकते हैं और आप अपने घर से भी exam दे सकते हैं। So remote examination facility भी available है। दोनों पार्ट्स का जो एग्जाम फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है। 100 MCQs होते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं। ये 100 MCQs करने के बाद आप सेकेंड विंडो में शिफ्ट होते हो, जिसमें 2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको टाइप करके कंप्यूटर पे रिस्पांस देना होता है। ये 1 घंटे का टाइम होता है, लेकिन अगर आपने 100 MCQs वाले सेक्शन में कुछ टाइम बचा लिया है तो वो टाइम आपका इस सेक्शन में एड हो जाता है। यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट टाइम टू द सेकेंड सेक्शन। So, टोटल 4 घंटे का एग्जाम होता है। 72% आपको स्कोर करना होता है इन टोटल टू पास द एग्जाम, और इस तरह के 2 एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स जो है वो 1 जनवरी से 28th फेब तक पहली एग्जाम विंडो होती है, जिसके दौरान आप किसी भी दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे को छोड़कर एग्जाम अपनी मर्जी से किसी डेट पे दे सकते हैं इन 2 months के अंदर। मार्च और अप्रैल में फिर एग्जाम नहीं होता, फिर मई और जून में दोबारा एग्जाम विंडो ओपन होती है, 1 मई से 30 जून तक। किसी भी दिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे छोड़कर प्री एग्जाम दे सकते हैं। फिर जुलाई, अगस्त में फिर एग्जाम नहीं होते। सितंबर, अक्टूबर में दोबारा एग्जाम विंडो ओपन होती है, 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। यानी साल में 3 दफा एग्जाम विंडोज ओपन होती है, और उसमें आप किसी भी डेट पे अपनी मर्जी के एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, पासिंग रेशियो जो है, यानी कितने फीसद स्टूडेंट्स नॉर्मली पास हो जाते हैं, वो तकरीबन 45 से 55 के बीच में है। सीएमए पार्ट वन 45 से 50 के बीच में, और पार्ट टू में 50 से 55% स्टूडेंट्स पास करते हैं। सो एवरेज आप 50% समझ लें।
सो एवरी वन स्टूडेंट आउट ऑफ टू यूजली क्लियर सीएमए, तो ये पासिंग रेशियो है सीएमए का, तो विच शोज दैट इट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम बट नॉट दैट डिफिकल्ट दैट यू वोंट बी एबल टू पास. इसके जो दो पार्ट्स का सिलेबस है वो भी मैं आपको डिस्प्ले कर डालता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर है. ये पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज स्ट्रेटेजिक पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो पहले पार्ट में आपके एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, इसमें यूएस गैप के हिसाब से, आईएफआरएस नहीं, यूएस गैप के हिसाब से सारे सेक्शंस और कंपैरिजन है विद यूएस विद आईएफआरएस. प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स. और ये सामने वेटेजेस लिखी हुई है बेसिकली एग्जाम वेटेज है, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 15% मार्क्स जो है वो पहले पार्ट में से, जो टोटल मार्क्स है उसमें से 20% जो है वो सेकंड पार्ट में से, फिर इसी तरह सो ऑन सो फोर्थ है. सेकंड पार्ट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डिसीजन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स है उनकी वेटेजेस के साथ. ये कोर्स स्ट्रक्चर है. अच्छा, एरियाज, जॉब रोल्स, यानी एससीए करने के बाद आप टैक्सेशन के अंदर जा सकते हो, आप रिपोर्टिंग के अंदर जा सकते हो, आप ऑडिटिंग के अंदर जा सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंदर जा सकते हो. सो इनमें से किसी भी एरिया को आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फ्रॉम बेसिक लेवल टू सी लेवल. आप किसी भी रिजर्वेशन पे अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, अपनी स्किल्स की बेस पे पहुंच सकते हैं. देर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग एज सीएफओस बेस्ड ऑन सीएमएस, दे आर वर्किंग एज फाइनेंस डायरेक्टर्स, वो फाइनेंस डायरेक्टर्स के लेवल पे काम करते हैं सीएमए की बेस पर, क्योंकि ऑब्वियसली द मोर एक्सपीरियंस यू गेट द हायर पोजिशन यू विल बी एट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो आप जितनी एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे उतना आप हायर पोजिशन पे पहुंचते चले जाएंगे. जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से बाहर तो बहुत अच्छी है. पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ऑलमोस्ट एवरी सीएमए दैट इज हु इज लिविंग इन पाकिस्तान इज एम्प्लॉयड. आई हैवंट सीन अ सिंगल सीएमए हु इज नॉट एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान एंड यू वोंट इवन सी. हां, सीएमए पाकिस्तान के अंदर कम है, लिहाजा जो भी वैकेंसी आती है न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी, तो दे डोंट मेंशन सीएमएस बिकॉज़ दे नो दैट देयर वोंट बी एनी सीएमए अवेलेबल. सो वो कोशिश करते हैं कि एड में उसी उसी क्वालिफिकेशन का डालें जहां से सप्लाई ज्यादा मिल सकती है. बट यू वोंट बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीएमए, यू विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीएमए. सो सीएमए की जॉब्स पाकिस्तान में भी हैं. स्टार्टिंग जॉब अगर पाकिस्तान में आप बात करें तो एक ऐसा सीएमए जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास हो उसकी सैलरी तकरीबन 60-70-80,000 के लगभग होती है विद इन पाकिस्तान, और जैसे 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 एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सैलरी बढ़ती चली जाएगी. बट आउटसाइड पाकिस्तान इफ आई टॉक अबाउट यूएई, यूएई में द स्टार्टिंग पे इज 7,000 दिरहम्स एंड इट कैन गो अप टू 25-30,000 दिरहम्स एज वेल. इसी तरह बाकी गल्फ कंट्रीज में सऊदी वगैरह में भी 7,000-8,000 रियाल जो है वो स्टार्टिंग पे है. एंड मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जहां पर आप गल्फ में और कंट्रीज के अंदर जो है ना वो उसकी जॉब्स ढूंढ सकते हैं. सिर्फ इसकी नहीं, आप किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए जो जॉब्स हैं वहां पर ढूंढ सकते हैं. आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू विजिट दैट वेबसाइट एंड यू विल सी लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इन दीज गल्फ कंट्रीज, यूएई है और बाकी दूसरे मुल्कों में भी आपको वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. वेबसाइट का नाम है bait.com, BAYT.com. सो bait.com जो है इट्स वन ऑफ द लीडिंग वेबसाइट्स where you can find job opportunities especially in Gulf countries. तो आप चैट बॉक्स में जाएंगे तो चैट बॉक्स के अंदर यू कैन सी द लिंक, वहां पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी और उसके ऊपर यू कैन क्लिक एंड गो टू दिस वेबसाइट. सो इट हैज अ वेरी गुड क्या कहते हैं स्कोप व्हेन इट कम्स टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल परस्पेक्टिव बट फॉर प्रोमोशनल परस्पेक्टिव एज वेल, कि आपको अच्छी डिजिग्नेशंस के ऊपर इसकी वजह से प्लेसमेंट मिल सकती है. एंड इट इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस जिसकी बेस पर आपको यूएसए, कैनेडा, इन ममालिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया इवन, इन ममालिक के अंदर आपको इसकी बेसिस पर जो है वो जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है एंड यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर इमिग्रेशन एज वेल. अच्छा, अब सीएमए यूएसए
के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए एग्जाम देने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सो एनीवन कैन टेक द एग्जाम्स। ये दो एग्जाम्स देने के लिए आईए में एक डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगता, जस्ट ऑनलाइन जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना नाम लिखें। $45 अगर आप स्टूडेंट मेंबरशिप के थ्रू जा रहे हैं तो आप पे करें और आप आई एम ए मेंबर बन जाएंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट एंट्रेंस फी होती है वो आप देंगे, एग्जामिनेशन फीस देंगे, तो जाके एग्जाम दे देंगे। नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द स्टेज। सो आपने पेपर पास कर लिए, दोनों आपने पेपर दे दिए, पास कर लिए, उसके बाद ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू हैव अ सर्टिफिकेट इन योर हैंड ऑफ सीएमए। जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर सर्टिफिकेट दिख रहा है ये आईए सीएमए का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब आपने दोनों पार्ट्स का एग्जाम दे दिया हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपके पास 2 साल का किसी भी इदारे का रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट एग्जाम देने के लिए आपके पास कोई पहले की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो सर क्या इंटरमीडिएट का स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। मैट्रिक का दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। सो आप किसी भी एलिजिबिलिटी बैरियर के बगैर इस क्वालिफिकेशन में एंट्री दे सकते हैं, बट याद रखिए सर्टिफिकेट के लिए फिर आपको ये चीजें चाहिए होंगी। एग्जाम फीस के ऊपर मैं आता हूं। जो एग्जाम फीस है एग्जाम फीस जो है वो डिपेंड करता है कि आप सीएमए को किस रूट के थ्रू करते हैं। एक स्टूडेंट रूट है, वो जो स्टूडेंट रूट है वो उसमें डिस्काउंटेड फीस है। अच्छा, वो फीस कितनी होगी? सर मुजतबा जो है उनसे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप उनसे फीस पूछ सकते हैं डिटेल, क्योंकि अभी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वो आपको शायद कंफ्यूज कर दे, समझ में ना आए। बट मैं आपको एक एस्टिमेटेड फिगर देता हूँ। ये तकरीबन जो जो रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल एग्जाम है उस तक जो उनको आपने पेमेंट करनी है, यानी बॉडी को जो आपने पेमेंट करनी है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू एग्जाम्स, वो तकरीबन $960 टोटल बनता है। बट वो एक साथ नहीं देना है, उसकी स्टेजेस हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त, फिर एग्जाम्स के वक्त आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, वी आर ट्राइंग कि हम जो है ना वो अप्रूव लर्निंग पार्टनर स्टेटस ले लें, जो हमारे पास पहले भी था, लेकिन अभी इनकी पॉलिसीज रिवाइज हुई है तो वो रिन्यू कर रहे हैं। तो रिन्यूअल में जाहिर है वी डोंट नो कि कब तक हमें ये प्रोसेस कंप्लीट होके हमें वो डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अगर जब मिल जाएगा तो ये जो फीस मैंने आपको 960 बताई है या 1000 डॉलर है, ये रिड्यूस होकर $600 हो जाएगी। तो आपको $600 टोटल देने पड़ेंगे फॉर द होल सीएमए फ्रॉम एग्जामिनेशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, ये वहां पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा फिर जाहिर है हमारी ट्यूशन फीस है और हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसकी फीस है। सो वो फिर आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो डिटेल में बता देंगे, समझा भी देंगे। अगर आप मुझसे पाकिस्तानी रुपीज में एक रफ फिगर पूछेंगे इस क्वालिफिकेशन की टोटल कॉस्ट पाकिस्तानी रुपीज में क्या आने वाली है, तो पूरी क्वालिफिकेशन की फीस तकरीबन अराउंड 250,000 to 300,000 बनेगी तकरीबन। ये मैं अंदाजन बता रहा हूँ, तो इसमें वेरिएशन हो सकती है डॉलर का रेट वगैरह और इसकी इसके इसकी वजह से। तो आप 300,000 तक का एस्टिमेट लगें कि ये आपको पड़ सकती है क्वालिफिकेशन। बट आई थिंक 300,000 इज वर्थ इट, क्योंकि अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हो एंड अगर फॉर एग्जाम्पल आप यू मूव टूवर्ड्स मिडल ईस्ट और इस जगह पे आप मूव करते हो, तो ये एक सैलरी भी जो है ना उसकी मार भी नहीं है। हाफ ऑफ योर सैलरी विल कवर ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड थोड़ी सी मेहनत से ये आप क्वालिफाई कर सकते हो। सो पासिंग सीएमए इज नॉट अ कप ऑफ टी, एक पीस ऑफ केक नहीं है, बट नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप कर नहीं सकते हो। सो एक एवरेज स्टूडेंट जो नॉर्मल पढ़ता है, जो अपने टाइम को मैनेज करना जानता है और एक रीजनेबल लेवल ऑफ एफर्ट्स करता है, तो वो पास कर जाते हैं। आप एग्जाम रिजल्ट्स को देख सकते हैं, 50% स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं अगर, तो इसका मतलब एवरी 2 स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन सीएमए एक बंदा पास हो जाता है उसमें से। तो अगर आप 2 में से 1 नहीं हो सकते हो तो फिर आप नेक नहीं हो सकते हो।
तो दिस इज हाउ यू कैन बल्कि दिस इज हाउ व्हाट सीएमए इज, और इसका स्कोप भी मैंने आपको बता दिया, इसके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया, पेपर स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दी। अब यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक सवाल जो बहुत कॉमन होता है, सर को एग्जम्पशन मिलेगी? तो नहीं, क्योंकि दो ही पेपर्स हैं और इन दो पेपर्स में कोई एग्जम्पशन नहीं है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो। क्या आप एसीसीए के बाद कर सकते हो? ये सवाल आया है, बिल्कुल कर सकते हैं। और एसीसीए की मेंबरशिप को दे कंसिडर एज इक्वल टू ग्रेजुएशन। सो इफ एनी वन हैविंग एनी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन, यानी उसके पास कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है, कोई भी, तो उसको वो एज अ ग्रेजुएशन मानते हैं। नो नीड ऑफ इक्वलेंसी, नो नीड ऑफ इक्वलेंसी, जस्ट अ प्रूफ दैट आप उस बॉडी के क्वालिफाइड मेंबर हो। आपको सिर्फ वो प्रूफ जमा कराना पड़ता है, उस प्रूफ को ही वो इक्विवेलेंट मान लेते हैं। जी, ड्यूरिंग एसीसीए भी हो सकता है। टाइम जो है वो 1 साल लगता है तकरीबन उसको पास करने में। बिल्कुल कर सकते हैं एसीसीए के साथ, अगर कोई करना चाहे। मेहनत करने के चारों जाहिर बर्डन होगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा बर्डन लेने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल बिल्कुल। एसीसीए इज कंसिडर्ड, एसीसीए मेंबरशिप इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, नॉट ओनली एसीसीए, एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं, एक्सपीरियंस तो लाजमी है, आपको चाहिए। सीएमए में सिर्फ दो पार्ट्स हैं सैमसंग भाई, सिर्फ दो पार्ट्स हैं। अच्छा, सीएमए की बेस पर आपको आईपीए, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स की क्वालिफिकेशन है, एमआईपीए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है पूरी। आईएफए, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स की क्वालिफिकेशन है, एएफए, यूके की है, वो फुल एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसकी बेस पर आपको सिटफा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इन इन पब्लिक फाइनेंस है, मुझे एग्जैक्ट उसकी वो नहीं पता। सो सिटफा इट्स यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंसी की, तो उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है आपको पूरी पूरी, और पूरी मेंबरशिप मिल जाती है। इसके अलावा ये करने के बाद एक अमेरिकन केस स्टडी क्वालिफिकेशन है, सीएससी है, सर्टिफाइड स्टडी कंप्यूटर एनालिसिस, उसकी एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। फिर एक पेपर देना पड़ता है, एक एग्जाम, और आपके पास सीएससीए क्या सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, सर्टिफाइड इन स्ट्रेटेजी एंड कंपेटिटिव एनालिसिस। जी सर, ग्रेजुएशन मस्ट है। अनीसा, एसीसीए के साथ करना, ऑब्वियसली आपको पता है एसीसीए भी टफ है, सीएमए भी ऐड हो जाएगा, तो आसान तो नहीं कह सकते, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि स्टूडेंट जो है ना वो कितने लेवल की एफर्ट करना चाहता है, बट ऑब्वियसली आसान तो नहीं होगा। अक्सर पेपर पैटर्न में ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, दो सब्जेक्ट्स हैं, दो पेपर्स हैं। जी, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग का लिंक ग्रुप में ही आप सबको मिल जाएगा, तो आप दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। एसीसीए और इसमें क्या सिमिलर, कुछ सिमिलरिटीज हैं, बिल्कुल हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर किसी ने एसीसीए किया हो या एसीसीए के सब्जेक्ट पढ़े हो तो यहाँ रिपीट हो रहे होते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिपीट हो रहे होंगे। दो एग्जाम्स होते हैं, दो, एक सीएमए पार्ट वन है, एक सीएमए, बस आपको सिर्फ दो एग्जाम्स देने हैं। छह महीने से 1 साल की ड्यूरेशन है, जिसमें आप सीएमए कंप्लीट कर सकते हो। छह महीने लगते हैं पर पार्ट तैयारी करने में, और बिल्कुल मॉक एग्जाम भी होगा, और आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर एक पार्ट के लिए 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, और ऑफिशियल क्वेश्चंस होंगे जो इनके एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस हैं, एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्टली आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे।
और उसका रिजल्ट भी आपको पास देने देर आ जाए करेगा आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर जी। जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है उनको दोबारा ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। क्लासेस जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हरी अप लिमिटेड क्लासेस हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। और मैं कह भी दूं तो वो मार्केटिंग स्टंट होगा, लेकिन हम 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है अगर आप टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप देर से ज्वाइन करेंगे तो आप मिस कर देंगे। क्योंकि ये जो हम 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे ये जनवरी फरवरी की एग्जाम विंडो के लिए होगा, यानी फरवरी में इसका एग्जाम दे सकेंगे। अगर आपने अभी नहीं ज्वाइन किया तो फिर ये एक्सटेंड होके मई जून पे चला जाएगा, आपका एग्जाम मई जून में होगा। जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है 2 ईयर्स बीकॉम। जी जी बिल्कुल, जिन लोगों का 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी सीनियर पोजीशन, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनके लिए पेपर पास करना आसान होगा। हमारी जो क्लासेस हैं वो फेस टू फेस भी हैं, यानी आप कैंपस में आके क्लास ले सकते हैं, आप लाइव ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, यानी आप घर से बैठ के जिस वक्त क्लास चल रही हो लाइव उस वक्त आप अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है, यानी अगर आप कंप्लीटली रिकॉर्डिंग मोड पे जाना चाहते हो, अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। जो ग्रेजुएट नहीं है वो एलिजिबल नहीं है, नहीं वो भी एलिजिबल है, मैंने अभी शुरू में बताया था कि एग्जाम देने के लिए आप ग्रेजुएशन आपके पास उस वक्त नहीं भी है तो आप एग्जाम दे सकते हो, आप बाद में भी ग्रेजुएशन करके सर्टिफिकेट क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, सीएमए क्वालिफाई करने वाले के लिए एसीसीए का जो लेवल 1 है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, नॉलेज लेवल पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। सीएमए का सर्टिफिकेट जिसको मिल जाए, अच्छा 3 मॉड्स नहीं, बेसिकली बेसिकली अगर आप फेस टू फेस या लाइव ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो दोनों की फीस सेम है, और अगर साथ रिकॉर्डिंग लेना चाहें इनके साथ मर्ज करके तो फिर थोड़ी डिफरेंट है, तो वो जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से रابطہ करेंगे, सर मुश्तबा हैं और सर उसामा हैं, तो उनसे आप रابطہ करेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे कि फीस इसकी क्या होगी। असल में मैं अभी आपको इसलिए फीस नहीं बता सकता हूँ कि ये रिकॉर्डेड सेशन है, और ऑब्वियसली ये हर सेशन में किसी को चाहिए होगा तो हम एक्सेस दे दूंगे, तो फीस ऑब्वियसली वक्त के साथ चेंज हो सकती है, तो रिकॉर्डिंग के दौरान अगर मैं बता दूंगा तो क्यामत वाले दिन भी आप मुझसे यही फीस मांग रहे होंगे, तो जो कि पॉसिबल नहीं होगा। और कोई सवाल जो इससे पहले आप लोगों ने ना पूछा? जी, फीस सर्टिफिकेट जो है वो 3 चीजों के बाद मिलेगा, दोनों पेपर्स का पास होना, ग्रेजुएशन और 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह ये बात मैं आप लोगों को स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दे दूंगा। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी, यू कैन वॉच इट लेटर ऑन या यू कैन रेफर टू समवन एल्स एज वेल। 1 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट फरवरी में एग्जाम देने का प्लान कर रहा है तो वो एडमिशन ले ले,
ताकि फरवरी में वो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट का एग्जाम दे जाए। और अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन आया अनीसा की तरफ से कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस किस फील्ड में रेलेवेंट हो, यानी फाइनेंस रिलेटेड जॉब होनी चाहिए, चाहे वो एचआर की है, सॉरी एचआर कह रहा हूँ, चाहे वो फाइनेंस की आपकी रिपोर्टिंग साइड है, चाहे वो टैक्स साइड है, चाहे वो ऑडिट साइड है, या मैनेजमेंट अकाउंटेंसी साइड है, इनमें से कोई भी फील्ड हो तो वो एक्सेप्टेबल है। यूं समझ लें कि जो ACCA के लिए जो जो एक्सपीरियंस वैलिड है वो यहाँ के लिए भी है। नहीं, वो ACCA कंटिन्यू करे उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि वो ACCA कंटिन्यू कर ले अगर वो ACCA ऑलरेडी कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क मैनेजमेंट साइड भी एलिजिबल है, बिल्कुल है, रिस्क मैनेजमेंट तो इसका पार्ट भी है, बिल्कुल है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो भी इसके सिलेबस कंटेंट के अंदर चीजें शामिल है ना, उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो वैलिड है। हाँ ये वलीद का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर बैचलर ना हुआ हो लेकिन CMA के पेपर्स पास कर लिए हो तो क्या जॉब में प्रॉब्लम तो नहीं होती? देखें, जब आपके पास बैचलर नहीं होगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो वो सामने वाले को ये बता देगा कि ये ग्रेजुएट नहीं है। अच्छा, जब आप ग्रेजुएट नहीं हो तो ऑब्वियसली जो CMA का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसके पास आपके आपके मुकाबले में एज होगा, कि उसके पास सर्टिफिकेट है इसका मतलब उसके पास ग्रेजुएशन है। सो प्रॉब्लम इस सेंस में तो होगी कि आप दोनों ने अप्लाई किया होगा तो उसको प्रेफर किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब वाला जो है ना वो इस बुनियाद पे आपको रिजेक्ट ही कर देगा, वो रिजेक्ट नहीं करेगा, बट डिपेंड करता है। देखें ये याद रखिए कि जिसने आपको जॉब पे रखना है ना, अगर उसके पास 100 ऑप्शंस हैं तो होंगे, और अगर उसके पास सिर्फ आप ही अकेले ऑप्शन हो तो फिर आपके 100 नखरे होंगे। सो ये डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास आपके अलावा कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उसके हिसाब से वो फिर क्राइटेरिया सख्त कर देता है। सर, जो स्टूडेंट ACCA कर रहा है उसे आप सजेस्ट करेंगे कि वो CMA करे या आफ्टर ACCA, या ACCA रोक के कर ले? नहीं, ACCA रोक के तो बिल्कुल भी ना करे, ये मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। ACCA के साथ CMA कर ले, ना ही करे तो अच्छा है, और ACCA कर ले फिर उसके बाद कर ले। लेकिन अगर किसी को जल्दी है और दो क्वालिफिकेशन चाहिए एक साथ, और कोई ऑब्जेक्टिव है साथ में, कोई किसी जगह पे, कोई डेजिग्नेशन पे किसी पहुंचना है और उसके लिए जल्दी है, तो फिर बिल्कुल दोनों साथ कर ले। लेकिन जाहिर है क्वालिफिकेशन को साथ लेने के लिए आपको एफर्ट्स भी उसके हिसाब से करनी पड़ेंगी। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड हाउ मच यू आर विलिंग टू इन, आप अपने एफर्ट्स कितनी करना चाहते हो। बट मेरी अगर प्रेफरेंस मैं रखूँ ना, ये है कि अगर कोई डायरेक्ट CMA स्टार्ट कर रहा है, वेरी गुड, वो CMA कंप्लीट करे। किसी ने डायरेक्ट ACCA स्टार्ट कर लिया, वो ACCA कंप्लीट करे, अपनी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन जो चल रही है उसको छोड़ के किसी दूसरी क्वालिफिकेशन की तरफ मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तो आई होप मैंने आप लोगों के मैक्सिमम आंसर्स का जवाब दे दिया है। सो इंशाल्लाह आई होप टू सी यू पीपल सून इन माय क्लास, सूनर और लेटर। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया है कि क्या जॉब के साथ CMA को मैनेज किया जा सकता है? 120%, क्योंकि मेरे पास CMA के अंदर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो आते हैं ना वो वही आते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। सो हमारी क्लासेस भी इवनिंग में है और रिकॉर्डेड तो वैसे ही आपकी आसानी के हिसाब से है। सो जॉब के साथ इवन इट्स मच इजियर टू डू CMA, क्योंकि CMA जो एक्सपोजर आपसे चाह रहा होता है बैकग्राउंड के ऊपर, वो एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा होता है। और मैंने ये देखा है कि जो जो थोड़ा बहुत जॉब कर रहे होते हैं या किया होता है ना, उस वो रिलेटिवली ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। नहीं करीम, ICMA क्वालिफाइड के लिए जो है ना कोई एग्जम्पशन नहीं है, किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो जो है ना ये कोई एग्जम्पशन नहीं है, क्यों, दो ही तो एग्जाम्स हैं। थैंक यू साकिब, खुश रहो, और सैयद रजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। सो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूंगा, इंशाल्लाह
इसके अलावा भी आपको कभी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम, मैं तो वानीज में ही होता हूँ, तो सो यू पीपल कैन ऑलवेज आस्क मी. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर प्रेजिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.